सो कई सदियों से डिले होती जा रही मूवी क्रेवन द हंटर का हर साल की तरह एक और नया ट्रेलर आ चुका है। ये देखिए सोनी ने इस साल दिसंबर में रिलीज करने का फैसला लिया है। अब उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में रिलीज हो ही जाए बिना किसी पोस्टपोन के। खैर बात करते हैं मूवी के प्लॉट के ऊपर, तो ट्रेलर देखकर इतना तो समझ आ ही रहा है ये पूरा रायता जो मूवी में फैला हुआ है इस सबकी शुरुआत फैमिली ड्रामा से ही होगी। इस फैमिली में है सरगई, उसका भाई कैमेलियन और उसके डैड फ्रेड। वेली एक रशियन फैमिली है जिनके बीच तनाव बना रहता है। इसमें सरगई आगे चलकर क्रेवन द हंटर बन जाता है और क्रेवन द हंटर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो वही सब सुपर पावर स्टफ, नॉर्मल पावर्स एंड एबिलिटीज भाई के पास भी है। बाकी इसकी स्टोरी कॉमिक पैनल से अलग देखने को मिलेगी मूवी में, वजह आप सब जानते ही हो, स्पाइडरमैन का लफड़ा। कॉमिक्स में क्रेवन एक प्योर हंटर होता है, लेकिन मूवी में ये सिर्फ एक हंटर होगा जो जानवरों का शिकार नहीं करता बल्कि जानवरों का शिकार करने वाले इंसानों का करता है। इसकी हंटिंग मॉन्स्टर हंटर्स को लेकर है जो की ट्रेलर में देखने पर शानदार लग भी रहा है। भाई एकदम ब्रूटल आर रेटेड चला गया है, वो भी सीरियस टोन के साथ। डेडपूल तो फिर भी चीजों को मजाक में ले लेता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल खून खराबा देखने को मिल रहा है। क्रेवन एक पूरा बीस्ट है और उसके जो भी हंटिंग वाले सीन्स दिखाए गए हैं वो सब एकदम बवाल है, खासकर वो बीच में से चीर देने वाला सीन। बाकी ट्रेलर में रायनो भी देखने को मिल रहा है अपने असली अवतार में, जो कि कमाल का लग रहा है। क्योंकि ये दोनों ही स्पेशल है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग रायनो को मेन विलन बनाएंगे, क्योंकि आगे चलकर इन दोनों को ही सिनिस्टर सिक्स का पार्ट बनना है। तो हो सकता है कि शुरुआत में दोनों आपस में लड़ पड़े लेकिन एंड में किसी और विलन को लाकर रख देंगे, और वो विलन कौन होगा ये गेस करना मुश्किल नहीं है। वेल एक्शन सीक्वेंसेस धासु हैं, इसे लेकर मुझे उम्मीद है कि मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी वर्ल्ड ऑफ द क्रेवन भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है, जंगल सिटी और पता नहीं क्या कुछ देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा मिस्टीरियस और डेंजरस लग रहा है। ये सब एक परफेक्ट सेटिंग है हंटर की स्टोरी के लिए, और विजुअल्स भी काफी डार्क ग्रिटी देखने को मिल रहे हैं जिससे कि ट्रेलर शानदार लग रहा है। और कैमरा वर्क भी झकास है, जंगल हो या सिटी हर सीन में एक डिफरेंट वाइब है। कलर पैलेट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मैच कर रहा है क्रेवन के कैरेक्टर से। लगता है डायरेक्टर ने पूरा दिल लगा दिया है इस दुनिया को बनाने में। बाकी एरन टायलर जॉनसन की बात करें तो पहले तो कास्टिंग पर डाउट था, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद सारे डाउट दूर हो गए। भाई ने अपने आप को पूरा कैरेक्टर में ढाल दिया है, एक प्योर बीस्ट एक हंटर नजर आ रहा है। ओवरऑल ट्रेलर धमाकेदार तो है, एक क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा दिया है। अब बस फिल्म का इंतजार है, क्या पता हमें सिनिस्टर सिक्स के और कैरेक्टर्स देखने को मिल जाए मूवी में, या फिर पोस्ट क्रेडिट में सीधा एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन देखने को मिल जाए। कुछ भी हो सकता है अगर सोनी वाले सीरियस है अपने यूनिवर्स को लेकर। बाकी आप सबकी क्या राय है क्रेवन द हंटर को लेकर, अपनी राय कमेंट में शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, टिल देन आप चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।